टॉप 5 ग्लिचेस इन इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D आफ्टर न्यू अपडेट। और आज के वाले ग्लिचेस ना भाई काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं, तो आप लोग यार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो चलते हैं भाई अपने ग्लिच नंबर 1 की तरफ। तो इस ग्लिच को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो एक जेसीबी को स्पॉन कर लेना है, और जेसीबी का चिट कोड है भाई 6677। एंड फिर आप लोगों को जो है कोई भी एक बाइक स्पॉन कर लेनी है। तो भाई मैं तो जो है एक निंजा की H2R स्पॉन कर रहा हूँ, और इसका चिट कोड है भाई 3000। तो फिर आप लोगों को जो है इसको स्पॉन करने के बाद इसको जो है इसके साइड में ऐसे लगा देना है, जिससे कि जो इन दोनों के बटन है भाई वो एक साथ है। तो चलो जो है मैंने अपनी बाइक को यहाँ पर लगा दिया है, और अब जो है मैं इनके बीच में चलता हूँ। और फिर आप लोगों को जो है एक काम और करना है, आप लोगों को अपने फोन में जो है 71 and 12 डायल करना है, और इससे जो है मून ग्रेविटी ऑन हो जाएगी। फिर आप लोगों को जो है दोनों बटनों पर एक साथ प्रेस करना है, एंड फिर आप लोग देखोगे आपका बंदा भाई बाइक पर कैसे बैठेगा। एंड जैसे आप लोग बाइक चलाओगे तो जेसीबी भी चलेगी। फिर आप लोगों को जो है आगे जाकर उतर जाना है, एंड जैसे आप लोग जो है भाई पंच पर क्लिक करोगे तो आप लोग देखोगे की जो पीछे का भाई जो है पीछे का साइड का एरिया भाई वो अपने आप ही जो है हवा में मूव होने लग जाएगा, जैसे की आप लोग देख पा रहे होगे। और उसके साथ अगर आप लोग जो है भाई बाइक पर बैठकर बाइक को जो है ड्राइव करते हो तो उसके साथ आप लोग जो है जेसीबी को भी ड्राइव कर पाओगे, यानी कि भाई एक प्रकार से जो है ये रिमोट कंट्रोल बन जाएगी, है ना भाई अमेजिंग ग्लिच। तो चलो अब चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट ग्लिच की तरफ। तो इस ग्लिच को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो जो है एक एयरप्लेन की जरूरत पड़ेगी, और इसका चिट कोड है भाई 555। जैसे ही आप लोग राइड करोगे तो आप लोगों के सामने एयरप्लेन आ जाएगा, एंड फिर आप लोगों को जो है थोड़ी दूर आकर एक फॉर्चुनर को भी स्पॉट कर लेना है, और फॉर्चुनर का चिट कोड है भाई 1000। एंड फिर आप लोगों को जो है फॉर्चुनर को इसके जो गेट है भाई उसके पास लगा देना है, जिससे कि जो है इन दोनों का बटन एक साथ आ जाए। तो चलो जो है मैंने लगा दी, एंड आप लोगों को फिर जो है एक बार फिर से जो है मून ग्रेविटी का चिट कोड डायल करना है, और जैसे आप लोग जो चीट को डायल करोगे आप लोगों को जो है दोनों बटन पर एक साथ प्रेस करना है, और फिर आप लोग जो है फॉर्चुनर में बैठ जाओगे, एंड फिर उसके बाद आप लोगों को जो है नीचे उतरना है। और जैसे ही आप लोग जो है नीचे उतरोगे और एयरप्लेन के गेट के पास जाओगे तो आप लोग देखोगे भाई आप लोग जो है टेलीपोर्ट हो जाओगे। तो भाई स्टेशन के पास आकर गिरा हूँ, तो जैसे की आप लोग देख ही पा रहे होगे, अगर आप लोग जो है ऐसा और किसी जगह पर करोगे तो आप लोग जो है उससे रिलेटेड यानी की उसके आस पास में कहीं पर जाकर गिरोगे। और हाँ भाई आप लोग जो है इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड लगा लेना, वरना आपका करेक्टर जो है वो मर भी सकता है। जैसे मैं जो है दोबारा जाता हूँ तो आप लोग देख ही पा रहे हो कि जो है मैं दोबारा से टेलीपोर्ट हो गया, ये जो है भाई ऐसे ही होता रहेगा। अब चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट ग्लिच की तरफ। ये वाला ग्लिच वर्क करता है भाई पुलिस स्टेशन पर। इस ग्लिच की मदद से आप लोग जो है इसके सेकंड फ्लोर पर जा सकते हो। तो आप लोगों को जो है एक बार मिनी जेट पैक को स्पॉन कर लेना है, जिसका कि चिट कोड है 3300। फिर आप लोगों को जो है इन्फिनिटी हेल्थ भी लगा लेनी है 9129 से, आप लोगों को जो है इन्फिनिटी हेल्थ लग जाएगी। फिर आप लोगों को जो है इसको फ्लाई करते हुए इसके पास ले आना है, एंड आप लोगों को जो है धीरे धीरे से इसको जो है दीवार से टच कराना है और ऊपर की ओर लेकर जाना है। जैसे आप लोग जो है इस वॉल से यानी कि ऊपर से अट जाओगे तो फिर आप लोगों को जो है एग्जिट कर देना है। आप लोगों का कनेक्टर भाई देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है अटक जाएगा, ये थोड़ी देर के लिए अटकेगा फिर जो है नीचे गिर जाएगा। फिर आप लोग जो है इसके अंदर आ जाओगे, जिससे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। और भाई यहाँ से आप लोग जो है कोई भी फायरिंग नहीं कर सकते हो, यानी कि भाई जो है यहाँ से हम बाहर फायरिंग नहीं कर सकते। तो ये वाला ग्लिच आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में बता देना, और अगर आप लोग जो है इससे बाहर निकलना चाहते हो तो आप लोगों को जो है सिंपली कुछ नहीं करना है, आप लोगों को स्काई फॉल का चीट कोड डायल करना है, और स्काई फॉल का चीट कोड है भाई 1120। आप लोग जो है जैसे डायल करोगे तो आप लोगों का करेक्टर जो है हवा में ऊपर उड़ने लग जाएगा, और आप लोग जो है भाई इस स्टेशन के ऊपर आ जाओगे। तो भाई अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्लिच की तरफ। इस ग्लिच की मदद से आप लोगों का बंदा जो है रॉकेट की तरह उड़ने लग जाएगा। तो आप लोगों को जो है सिंपली 4x7 डायल कर एक बाइक को स्पॉन कर लेना है, एंड फिर आप लोगों को जो है इन्फिनिटी हेल्थ का भी चीट कोड लगा लेना है, वरना आपका कैरेक्टर जो है भाई वो मर भी सकता है। और उसके साथ आप लोगों को जो है एक बार मून ग्रेविटी का चीट कोड डायल कर लेना है। तो चलो जो है मैंने डायल कर लिया भाई तीनों ही चीट कोड, और तीनों ही चीट कोड जो है भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को जो है इस पर बैठ जाना है, एंड फिर आप लोगों को जो है अपनी बाइक को थोड़ी देर आगे की ओर लेकर जाना है, जिससे कि जो है इसमें भाई स्पीड बन सके। तो चलो जो है मैं जल्दी से इसको आगे की ओर लेकर चलता हूँ, एंड जैसे ही ये थोड़ी आगे आ जाए तो फिर आप लोगों को जो है अपनी बाइक को पीछे की ओर लेकर आना है। तो चलो जो है मैं जल्दी से अब पीछे की ओर भी इसको जो है लेकर चलता हूँ। तो चलो जो है मैं अभी पीछे की ओर जा रहा हूँ, और जैसे ही बाइक की जो भाई स्पीड है वो थोड़ी तेज हो जाए फिर आप लोगों को भाई बाइक से एग्जिट कर देना है। और
बूम भाई आप लोग देखो कि आपका करेक्टर ये देखो भाई कैसे रॉकेट की तरह हवा में उड़ता हुआ जा रहा है। और जो भाई सामने ये वाली बिल्डिंग ना होती ना तो हम लोग जो है इन्फिनिट वर्ल्ड के अंदर गिर जाते हैं। तो मेरा आगे तो भाई ये बिल्डिंग आ गई, इस वजह से भाई जो मैं इन्फिनिटी वर्ल्ड के अंदर नहीं गिर पाया। तो हम लोग जो है इस बार इसको जो है ओपन में ट्राई करेंगे। तो चलो जो है इस बार हम लोग जो है इसको ओपन में ट्राई करेंगे। तो चलो जो है मैं अभी काफी आगे आ गया हूँ एंड अब मैं जो है भाई अपनी बाइक को पीछे की ओर लेकर चलता हूँ और अब जो है मैं एग्जिट करता हूँ। और ये देखो भाई मैं एग्जिट किया और मेरा बंदा देखो भाई क्या ही रॉकेट की तरह जा रहा है। और अभी तो भाई जो है अपना बंदा जा ही जा रहा है, पता नहीं भाई कहाँ पर जाकर रुकेगा ये। तो चलो जो है अभी बहुत देर होती है भाई, अभी भी जा ही जा रहा है। तो भाई मेरे को तो लग रहा है इन्फिनिटी वर्ल्ड के अंदर ही गिरेगा। और ये देखो भाई जो है अपना बंदा इन्फिनिटी वर्ल्ड के अंदर गिर गया। तो अब चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट ग्लिच की तरफ। तो इस ग्लिच की मदद से आप लोग जो है जेसीबी को उड़ा सकते हैं। तो आप लोगों को स्विमिंग पूल के पास आकर आप लोगों को जेसीबी का चीट कोड डायल करना है 6677 एंड फिर आप लोगों को जो है वहीं पर खड़े होकर एक बार हेलीकॉप्टर का भी चीट कोड डायल कर लेना है। हेलीकॉप्टर का चीट कोड है 8000 एंड जैसे आप लोग डायल करोगे तो आप लोगों की जो है जेसीबी ऊपर उड़ने लग जाएगी। तो आप लोगों को जो है मून ग्रेविटी का भी चीट कोड डायल कर लेना है एंड फिर आप लोग जो है इसमें बैठोगे तो आप लोग देखोगे की जो आपकी जेसीबी है भाई वो उड़ने लग जाएगी। लेकिन ये क्या भाई है, जेसीबी जो है मेरे से नीचे गिर गई। आप लोगों को जो है भाई अच्छे से अपने हेलीकॉप्टर को जेसीबी में अटका लेना है जिससे कि जो है नीचे ना गिरे। तो बस यही थे भाई आज के कुछ ग्लिचेस। आई होप आप लोगों को जो है भाई ये ग्लिच अच्छे लगे हो। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोगों को कोई और ग्लिचेस के बारे में पता हो तो आप लोग हमें कमेंट कर बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर ट्राई करेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।